Oh.
फैशन स्टेटमेंट अपलिफ्ट हुआ है, इट्स थैंक्स टू हिज एंड हिज टीम्स एफर्ट्स. सो आई हैड टू बी हियर टुडे फॉर हिम एंड ही हैज मेड सच एन अमेजिंग कलेक्शन. हर्रा जो कि बैग्स, क्लचेस एंड वॉचेस में डील करते हैं, उनके ब्यूटिफुल से कलेक्शन को लेकर आज मैं चली हूँ. और आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर नेक्स्ट शोकेस जो कि अगले सीजन में होने वाला है. बिकॉज अभी तो इट वॉज colorful, vibrant. I'm loving what I am wearing today. I'm totally in love with it, by the way. Thank you so much. Beautiful. I'm sorry. मैं खुद ही अपनी ड्रेस में गागा हो रही हूँ. सर आप थोड़ा बताइए कि क्या प्रेजेंट किया है आज आपने, क्योंकि हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट कलर है पीछे आगे सभी डिफरेंट, इवन यू थोड़ा सा आप हमें थोड़ा डिस्क्राइब. सो हमारा कोलैबोरेशन विद हर्रा एंड हर्रा इज कम अप विद द एक्टिव बैग्स एंड ऑल. सो अकॉर्डिंग टू दैट बैग्स we have made vibrant colors, like lot of colors we have used because the color of season, it's summer, so uske liye thoda joyful, youthful color hai, to isliye we have used all these colors. Thoda apne earring ke bare mein jo bahut hi beautiful lag raha hai. Earring bhi raha, ye kafi beautiful hai. It's a yellow golden color. Wo jitna khoobsurat hai उतनी ही अच्छी मैंने आज अपनी ये हेयर स्टाइलिंग भी की है. एंड इट्स ऑल समरी, आई वॉन्टेड माई हेयर टू बी अप and messy and my eyes, if you can see even they are colorful today. So we are totally playing with colors. Yes, you know, summer season start ho chuka hai and hum aapko aane wale dinon mein is tarah ke am I wearing somebody special today? Yeah, this is Kohar. Kohar? Kohar. Kohar. Yeah. Okay, since you asked me about my earrings, I'm wearing Kohar today. समर सीजन की बात करें, बहुत ही सुंदर आप लग रहे रैंप वॉक में, एक मिनट टाइम लग रहे थे आपके रणवीर. मैंने बहुत मिस किया क्योंकि वो काफ़ी पछताने वाले हैं आज मेरे वीडियोस देख के, मुझे लगता है आज उन्हें लगेगा कि काश मैं भी वहाँ होता. आई एम श्योर जला दिया आपने. नहीं एक्चुअली सच बताऊँ तो वो मुझे आज प्रिपेयर कर रहे थे, बिकॉज वो विवेक खुद एक बहुत अच्छे मॉडल रह चुके हैं एक ज़माने में. तो ही वॉज प्रिपेयरिंग मी, ही वॉज टेलिंग मी हाउ टू बी कॉन्फिडेंट एंड हाउ टू वॉक. सो कुछ आज टिप्स लेके आई हूँ मैं विवेक से. विक्टर ने एक तो इतना अच्छा कलेक्शन बनाया था कि मेरे लिए इट वॉज गेटिंग टफ कि मैं क्या पहनूँ और क्या नहीं. इसने मेरे लिए दो तीन और भी ऑप्शनल ड्रेसेस बनाए थे. आई लव दिस वन द बेस्ट. इट टुक मी जस्ट वन आवर एंड अ हाफ टू गेट रेडी. क्योंकि हम बात करें समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो हम आने वाले दिनों में आपको किस तरह के कपड़ों में समर सीजन में स्पॉट करेंगे? ट्रेल्स शायद नहीं होंगे पीछे, बाकी ड्रेसेस शॉर्ट हो सकती हैं एंड आई थिंक वी ऑल लव टू गो फॉर शॉर्ट ड्रेसेस इन समर्स. इट्स वेरी कंफर्टेबल. तो हाँ, अब शॉर्ट ड्रेसेस तो मैं पहनूंगी. यस ऑफ कोर्स. तुम अरेंज करोगे तो मैं पहनूंगी. एंड नाउ यहां पर थोड़ा सा फ्यू सेकंड्स यहां पर विजुअल्स करेंगे. श्योर, प्लीज कम. यू हैव टू नीचे बैठ जा.
थैंक यू सो मच सब विक्टर की वजह से एंड हॉरा बैग्स एंड वॉचेस बट आई रियली लाइक द कलेक्शन इट्स सो फ्रेश इन समरी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक इट्स एडिंग टू माई लुक विक्टर आप बताना चाहेंगे या एक्चुअली बिकॉज ऑफ समर्स जैसे आप कह रहे हैं बिकॉज समर्स में आई लव टू यूज कलर्स एंड दिस द सीजन ऑफ कलर्स आई लाइक फ्लावर्स एंड ऑल्सो आई मेड माई कलर्स मेरे सारे आउटफिट्स फ्लोरल प्रिंटेड कलरफुल हैं और हॉरा के बैग्स भी उसके बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग एक्टिव हॉरा एक्टिव तो हॉरा एक्टिव के अकॉर्डिंग वी हैव यूज द कलर्स सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ एंड आई थिंक उन्होंने आज हम सबको ये पहना दिया है विद ऑल ऑफ अस बीइंग ऑन फ्लोरल एंड ऑल बैकग्राउंड ब्राइट कलर्स है ना सो इट वाज अ गुड कोलैबोरेशन विद विक्टर आज विद हॉरा ब्रांड आल्सो बिकॉज जो हमारे कलर्स है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमिंग आउट विद वाइब्रेंट एंड स्प्रिंग समर के लिए और हॉरा एक्टिव जो नया ब्रांड शुरू किया है जिसमें एथलीजर आउटडोर के लिए जो बैग्स बनते हैं वो ज़्यादातर हम लोग शोकेस कर रहे थे इस सीजन दैट्स द रीजन वी टाइड अप विद विक्टर एंड यू कैन सी ऑल दीज कलरफुल आउटफिट्स ऑफ प्रतिमा and the people my horror faces behind who are the brand faces for this year and they have been doing an excellent job as a platform for the brand to promote the brand all India ram aap काफी confident the jab ram walk mein to kitne aapne practice ki and jab aapko kaha tha ki aapko first aapko jana मुझे पता नहीं है भले ही मैं एक्टर हूँ लेकिन स्टेज फेयर सबको थोड़ा तो रहता ही है और रैंप वॉक मैंने लास्ट आई थिंक कॉलेज में किया था आई रिमेंबर तो थोड़ा बहुत मुझे बेसिक्स याद है आकर ऐसे रुकना शी वाज लिटरली स्केर्ड हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब पीछे टेक्निकली तो रिद्धिमा वाज लाइक आस्किंग कि मैं एक बार करना चाहती हूँ प्रैक्टिस वेरी स्पॉटिंग वेरी नाइस दैट शी जस्ट केम ऑन द स्टेज शी डिडंट बिहेव लाइक अ सेलिब्रिटी एट ऑल एंड शी वाज वेरी काइंड एंड वी रियली थैंक हर फॉर बीइंग देयर फॉर अस थैंक यू सो मच मींस अ लॉट फॉर हैविंग मी थैंक यू सो मच थैंक यू राइट बिल्कुल डालिए थैंक यू सो मच जी जी थोड़ा सा आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रेजेंट किया क्योंकि हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर या देखिए बेसिकली हमारा जो थीम था वो कॉकटेल आर्ट था बेसिकली हमारा जो थीम था वो कॉकटेल आर्ट था कॉकटेल आर्ट लाइक ही ब्लैंड बेसिकली सो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कोशिश करी थी वेस्टर्न स्कर्ट्स को सिल्वेट्स को इंडियन वर्क इंडियन क्राफ्ट्स के साथ में ब्लेंड करने की जैसा कि आप देख सकते हैं गाउन्स हैं या जो भी कोट्स हैं या ब्लेजर्स हैं या ट्रेंच कोट्स हैं उनके सब पे हमने ट्राई किया कि हम इंडियन वर्क या इंडियन मोटिव्स को हम लोग जितना ज़्यादा एनहेंस कर सकते वो करेंगे एंड ये कलेक्शन थोड़ा सा हाई फैशन की तरफ था और हमने कोशिश करी थी कि हम इस तरीके का कलेक्शन एक क्रिएट कर सकें जहाँ पे वेस्टर्न और इंडियन का एक बेटर समन्वय हो पाए सो आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा ट्राई किया उस बारे में और मुझे लगता है कि शायद कुछ अचीव भी किया होगा फैशन के बारे में तो आप जानते हो मैं तो मतलब बचपन से यू नो फैशनेबल रहा हूँ हालांकि यार से के बाद समझ में नहीं आई किसी को लेकिन ठीक है कोई बात ये नहीं बट थैंक्स टू दिस गाय यू नो कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली प्रीटी मच द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉक द रैम एंड आई रियली एंजॉयड इट मुझे इसने जो दिया है वो एक एक्चुअली सूट नहीं जंप सूट है यू नो सो डायरेक्टली आपको घुसना पड़ता है उसके अंदर और काफ़ी फिटेड वाला जंप सूट है तो बड़ी मेहनत करके घुसना पड़ा था बट आई थिंक जो जो इसने कोशिश की है इसके कलेक्शन को प्रेजेंट करने की बहुत बेहतरीन कोशिश है फॉर प्रीटी मच फर्स्ट टाइम यस एग्जैक्टली बेसिक रैम पे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अपना कलेक्शन लॉन्च किया हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस में थे अभी पहली बार है जब हम लोग इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट के साथ में प्रिंट और रैम के लिए हम लोगों ने कलेक्शन बहुत बढ़िया कलेक्शन इन्होंने प्रेजेंट किया एंड आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन लाइक आई सेड दिस सूट दिस ट्रेंच कोट और ये लुक तो ऐसी मतलब मूछें बढ़ गई थी हमने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए ये भी इन्हीं से हमने थोड़ा सा ये ऑनेस्टली नहीं है मतलब बाल बढ़ गए थे कुछ करना था बालों के साथ में क्या चोटी बना देते थे इसकी एंड ये प्रीटी मच इट वाज गोइंग विद द लुक दैट ही वांटेड सो दैट्स द रीजन वी ट्राइड समथिंग और इनकी चोटी बढ़ाने का हमको मौका मिल गया तो हमने फ़ायदा उठा लिया हाँ शेंडी लगाने का मौका मिल गया बेसिकली इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन
इंस्पिरेशन बेसिकली सच बात बोलूँ तो यहाँ पे ऐसा मेरे दिमाग में कोई बहुत इंस्पिरेशन नहीं था, लेकिन मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा यू नो इंस्पायर्ड रहा हूँ वेस्टर्न स्कर्ट को लेकर के, और साथ के साथ ही मुझे इंडियन यू नो वॉक बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मेरे दिमाग में यही था कि कुछ ब्लेंड किया जाए, नॉट एग्जैक्टली कि हम हर बार इंडियन करते हैं या वेस्टर्न करते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे हम लोग कलर्स हम लोग बहुत इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, वर्क हम लोग इंडियन चूज़ कर सकते हैं. वी यूज़ ऑल इंडियन रिच फैब्रिक लाइक ना सैटन एंड वेलवेट एंड इस तरीके की चीज़ें, और उनको हम लोगों ने ट्राई किया वेस्टर्न स्कर्ट देंगे. सो इंस्पिरेशन यही था कि हम लोगों को सिर्फ एक इस तरीके का कलेक्शन लॉन्च करना था जहाँ पे हम लोग वेस्टर्न कर्ट्स को यूज़ करें और समथिंग ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट एक्चुअली. सो दैट वाज़ रोशनी जी, आपके आउटफिट के बारे में आप I think it's an absolute honor to be a part of this show by Dheeraj. The show was so beautiful, it was vibrant. As he said that it was the perfect blend of Western and Indian. The colors were so English, and I love the way he has made a trench coat, but it's this feminine gown at the same time. So it's smart and elegant and feminine, everything at the same time. And who wouldn't want to get into this? Would you like to appeal all to your fans who vote this election? Absolutely. I mean, that is something that we all definitely have to do, and we've been trying to do that all along with every election. So the elections are just around the corner, guys. Make sure that you devote some time to go and vote. But do you think since Modi has spent last 5 years, how you see Narendra Modi tenure? Do you think Modi should come to the power? What is your opinion on this matter? That is something that I guess we'll discuss at some other point in time. So. Right now, I think we'll focus on this. Okay, थोड़ा सा यहाँ पे विजुअल कर लेंगे फोटो.